हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। अपना अलग अलग टॉपिक है फ्रेंड्स, प्लांटी जगत जिसे मेटाफाइटा भी कहते हैं। तो इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। इन 50 क्वेश्चनों में अपन देखेंगे अपने को सेवाल, स्पायरोगायरा, ब्रायोफाइट्स और फ्यूनेरिया से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स अपन देखेंगे टेरिडोफाइट्स वगैरह बच जाते हैं अपने, जिम्नोस्पर्म, सिलेजिनेला और जो एंजियोस्पर्म, उनका अगला वीडियो तैयार करेंगे, उसमें उनकी चर्चा करेंगे। तो इनसे बनने वाले मोस्ट क्वेश्चनों पर देखिए फ्रेंड्स चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फाइकोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय फाइकोलॉजी का पिता प्रोफेसर MOP आयंगर को मानते हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी का अध्ययन है, फाइकोलॉजी अध्ययन है, सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के पितामह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रिस जो है उसे फाइकोलॉजी का जनक या पितामह मानते हैं। नेक्स्ट, शैवाल के किस समूह में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है? तो साइनोफाइसी समूह में लैंगिक जनन नहीं होता है। नेक्स्ट, मैनिटोल किस एक के भीतर संचित रहता है? तो यह फ्यूकस के अंदर संचित रहता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड टाइड उत्पन्न करते हैं, तो रेड टाइड उत्पन्न करते हैं नाक्टिल्यूका, जिम्नोडीनियम, गोन्यूलेक्स, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एगार एगार जो शिवाल होता है वह प्राप्त किया जाता है, तो वह प्राप्त होता है गाइगर्टिना से भी होता है, गेलिडियम से भी होता है, ग्रेसिलेरिया से भी होता है, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के सदस्यों से आयोडीन प्राप्त की जाती है? तो यह प्राप्त होती है भूरे शैवाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल में संचित भोजन व पिगमेंट्स की उपस्थिति के आधार पर निम्न खतरों को ध्यान में रखते हुए कौन सा विकल्प सही माना गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, क्लोरोफाइसी में संचित भोजन स्टार्च तथा मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और डी होते हैं, तो यह गलत है, बी की बात करें फ्रेंड्स, फियोफाइसी में संचित भोजन लेमिनेरिन तथा मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए व बी होते हैं, ये भी गलत है। सी, रोडोफाइसी में संचित भोजन क्लोरीडीन तथा मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए डी व फाइकोइरिथ्रिन होते हैं, ये सही है। तो देखिए इसमें ए व बी तो गलत है और सी क्या है, सही है, यानी कि जो ई ऑप्शन है अपना सी सही व ए व बी गलत सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सवाल ए के समूह के प्रतिनिधि होते हैं? तो इनमें से वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडो मोनास, बी ऑप्शन सही है, ए के समूह के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किनमें अधिकांशतः बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है शैवाल में, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वच्छ व समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है क्लेडोफोरा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसमें क्लोरोफिल ए व बी दोनों पाए जाते हैं? तो ये होते हैं रोडोफाइसी में, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पीले हरे पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं? तो ये होते हैं जेंटोफाइटा में, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? तो यहाँ पर कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्ररूप को चुनना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मियोगेमिट्स, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सेवाल परपोसी होता है? तो जो सी सिफेल्यूरस, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण भूरी सेवाल का नहीं होता है? तो क्लोरोफिल ए तथा बी की उपस्थिति, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फ्लेजिलेट सेवाल होता है? तो फ्लेजिलेट सेवाल कौन सा होता है? क्लेमाइडो मोनास, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शैवाल में जो गतिशील कॉलोनी बनाता है तो वह कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वॉल्वॉक्स, नोस्टॉक, स्पायरोगायरा और क्ले माइडोमोनास।
तो इनमें से गतिशील कॉलोनी बनाने का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स? यह करता है अपने वॉलवॉक्स। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पायरोगायरा में क्या होता है फ्रेंड्स? पार्श्व संयुग्मन दर्शाने वाले तंतु होमोथेलिक होते हैं, यानी बी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट, पार्श्व संयुग्मन होता है, तो पार्श्व संयुग्मन होता है केवल एक तंतु में होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स के लिए सही कथन क्या है? तो देखिए, यूलोथ्रिक्स के लिए सही कथन अगर देखें तो फिलामेंट शैवाल जिसमें फ्लैजिला युक्त जनन अवस्था पाई जाती है, ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूलोथ्रिक्स की एक कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो यूलोथ्रिक्स की एक कोशिका में अगर क्लोरोप्लास्ट की संख्या पूछी है तो फ्रेंड्स वह कितने होते हैं? एक होते हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स के अंदर वर्णक या पिगमेंट कितने होते हैं? तो वह कितने होते हैं फ्रेंड्स? वर्णक या पिगमेंट की जो संख्या होती है वह होती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एवं जेंथोफिल्स, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स की उपस्थिति होती है बहते हुए स्वच्छ जल में होती है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स की कोशिका होती है, यूलोथ्रिक्स की कोशिका जो होती है बेलनाकार होती है, सी ऑप्शन सही है। स्पायरोगायरा किसकी उपस्थिति के कारण म्यूकर से अलग होता है? तो यह एक नाभिकीय गेमिटेंजिया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्पायरोगायरा में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? तो कॉन्जुगेशन प्रक्रिया से जनन होता है। नेक्स्ट, स्पायरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह सर्पिल पट्टिका के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट से क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया था? तो ब्रायोफाइट्स जो शब्द दिया था वह ब्रोन के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लगभग पूछने की संभावना रहती है। अगला, ब्रायोफाइट्स का मादा जनन अंग कौन सा होता है? तो ब्रायोफाइट्स का जो मादा जनन अंग होता है फ्रेंड्स वह आर्किगोनियम होता है, सी ऑप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वह ब्रायोफाइट्स जो अपने थैलस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल को आश्रय देते हैं वे कौन होते हैं? वे होते हैं एंथोसिरोस, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनियम के किस भाग में अंडा होता है? तो किस भाग में होता है ये अंडा? यह होता है वेंट्र भाग में, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स में वयस्क पादप शरीर होता है, तो वयस्क जो पादप शरीर होता है वह गेमिटोफाइट होता है, डी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट देखिए, ब्रायोफाइट अचानक पार्थिनो जेनेटिकली रूप से प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं, दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या जनक पौधे के तुल्य होगी, तो ये कितनी होगी फ्रेंड्स? समान होगी। नेक्स्ट, कुछ लीवरवर्ट में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायक होती है? तो इसमें इलेटर, ए ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स अचानक पार्थिनोजेनेटिकली रूप से प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं, दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या जनक पौधे के तुल्य होगी, तो इस स्थिति में अपन कहेंगे ये क्या होगी? समान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, समान होगी। नेक्स्ट, कुछ लीवरवर्ट में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायक होती है? तो इलेक्ट्र सहायक होती है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा गेमिटोफाइट पाया जाता है, तो सबसे बड़ा जो गेमिटोफाइट होता है वह पॉलीट्राइकम में होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें पायरिनोइड पाया जाता है? तो पायरिनोइड किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? यह एंथोसिरोज में होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्सिया की आर्किगोनियम होती है, रिक्सिया की जो आर्किगोनियम होती है वह फ्लास्क नुमा होती है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रिक्सिया का पादप शरीर कैसा होता है? गेमिटोफाइट होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रिक्सिया का थैलस होता है, ये कैसा होता है? हैप्लोइड होता है, सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट, फ्यूनेरिया में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, स्पोर मदर कोशिका में होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस कैप्सूल में पेरिस्टोम दंत चक्रों की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 2 होती है। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया में बीजाणु अंकुरित तो होकर उत्पन्न करता है, तो यह प्रोटीनुमा उत्पन्न करता है, प्रथम तंतु। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट का विकास प्रारंभ होता है, तो यह आर्किगोनिया में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस में जो बीजाणुद्भिद होता है वह गेमिटोफाइट पर आंशिक परजीवी होता है, सी ऑप्शन है सही है। फ्यूनेरिया की कौन सी पीढ़ी में अगुणित अवस्था पाई जाती है, युग्मकोद्भिद अवस्था में, युग्मकोद्भिद जो अपन मानते हैं उसमें अगुणित अवस्था होती है। नेक्स्ट, मॉस के कैप्सूल में बीजाणु का विकिरण निम्न के द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, पेरिस्टोम दंत के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। इससे अगला जो वीडियो का फ्रेंड्स वो अपना जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पर आधारित होगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद।